हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी 21। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको मॉडल वर्ब्स पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने आपको काफी सारे मॉडल वर्ब्स पढ़ा दिए हैं। आई होप आप लोगों को वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। और स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यू मॉडल वर्ब यूज ऑफ वुड, यानी वुड के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वुड का यूज काफी टाइप से होता है। तो स्टार्टिंग में हम आपको यही बताएंगे कि वुड का यूज हमारे कितने प्रकार से होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यूज ऑफ वुड हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि वुड का यूज कितने प्रकार से होता है। देखिए, जब हम केवल वुड का यूज करते हैं तो केवल वुड का यूज हमारा 7 प्रकार से होता है। ठीक, अगर हम वुड के साथ में बी का यूज करते हैं, यानी कि वुड बी का यूज हमारा 4 प्रकार से होता है। ठीक है, वुड हैव का यूज 2 प्रकार से होता है, वुड हैव बीन का यूज 2 प्रकार से होता है, वुड हैव टू का यूज 1 प्रकार से होता है, केवल इसका एक ही यूज होता है, वुड हैव हैड टू का यूज भी केवल एक प्रकार से होता है। ठीक, वुड लाइक टू भी हमारा केवल एक ही प्रकार से होता है, वुड यू लाइक मी टू का भी केवल एक ही यूज होता है, वुड यू माइंड इफ का भी केवल एक ही यूज होता है, वुड यू माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का जो यूज होता है वो भी केवल एक प्रकार से होता है, वुड इट बी ओके का यूज भी केवल एक प्रकार से होता है, पास्ट ऑफ विल यानी विल के पास्ट में, जो विल के पास्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं जो कि केवल एक प्रकार से होता है, रिपीटेशन इन पास्ट, ठीक है, पास्ट में रिपीटेशन में जब हमारा वुड का यूज होता है वो भी हमारा केवल एक ही प्रकार से होता है। नेक्स्ट, कंडीशन सेंटेंसेस ऑफ वुड, ठीक, यानी जो हमारे वुड की कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो हमारा वुड का यूज होता है वो हमारा 3 प्रकार से होता है, और वुड हैव हैड का यूज हमारा केवल एक प्रकार से होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा यूज ऑफ वुड, यानी वुड का यूज हमारे कितने प्रकार से होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको सीरियल वाइज इनको डिटेल में बताती हूँ कि इनका यूज कैसे कैसे होता है। ओके, तो नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको बताते हैं वुड का यूज। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि वुड का यूज कैसे किया जाता है। देखिए, वुड का यूज हमारा हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट रूटीन या रिपीटेशन इन पास्ट में भी किया जाता है। यानी कि देखिए, हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट रूटीन से हमारा मतलब है कि देखिए, जो काम हम पास्ट में किया करते थे, या हम कह सकते हैं जो हम अपने बचपन में किया करते थे, जैसे कि हम खेला करते थे, दादी माँ कहानी सुनाया करती थी, दादाजी ऑफिस जाया करते थे। ठीक है, तो ये क्या था, दादाजी हमारे ऑफिस जाया करते थे, यानी पहले जाया करते थे, वो रिटायर हो चुके, अब ऑफिस नहीं जाते, पहले जाया करते थे, तो वो क्या हो गया, हमारे हैबिचुअल एक्शन था। ठीक है, किसका, पास्ट रूटीन में। ठीक, आगे समझ में। अब देखिए, ऐसे ही मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, ये जो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं इनका हिंदी में अर्थ क्या आता है, किया, करता था या करता था के सेंस में हमारा इसका जो अर्थ आता है वो आता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हमारा, जैसे कि एग्जांपल है, आई वुड गो टू प्राइमरी स्कूल। ठीक, देखिए इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि मैं प्राइमरी स्कूल जाया करती थी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, क्या इसका अर्थ, मैं प्राइमरी स्कूल जाया करती थी। स्टूडेंट, मैं प्राइमरी स्कूल कब जाती थी, जब मैं छोटी थी, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लायक थी, तब मैं प्राइमरी स्कूल जाया करती थी, अब तो मैं नहीं जाती ना, तो ये क्या था, ये मेरे हैबिचुअल एक्शन था, यानी पास्ट में ये काम मैं किया करती थी जो कि मैं अब नहीं करती। क्लियर, इसके लिए हम किसका वुड का यूज करते हैं। अब देखिए, हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है, आई वुड गो टू प्राइमरी स्कूल, इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। और ठीक, देखिए, हम वुड के स्थान पे यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, आई यूज टू गो टू प्राइमरी स्कूल। ठीक, या हम इस वाक्य को इस तरह से ही बना सकते हैं, आई वॉज यूज टू गोइंग टू प्राइमरी स्कूल। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, जब हमारा ये यूज टू है, इससे पहले जब हमारा वॉज आ जाता है, तो यूज टू के बाद में जो हमारी मेन वर्ब आती है उसमें हम आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, और देखिए हम इसको किस तरह से और किस टाइप से बना सकते हैं, और हम इसको बना सकते हैं, आई वॉज एकस्टम्ड टू गोइंग टू प्राइमरी स्कूल। यानी ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं, इनको हम 4 प्रकार से बना सकते हैं, बट इन चारों का ही जो हमारे हिंदी में अर्थ आएगा वो सेम आएगा। क्या आएगा, कि मैं प्राइमरी स्कूल जाया करती थी या मैं प्राइमरी स्कूल जाती थी, यानी जो काम मैं पहले पास्ट में अपने किया करती थी, अब नहीं करती हूँ। क्लियर, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं, और वुड के स्थान पे हम यूज टू का भी यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू का यूज हम आपको अलग से डिटेल में भी बताएंगे, यहाँ पे हमने एज एग्जाम्पल आपको बताया है क्योंकि वुड के स्थान पे करते हैं। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स,
आई वुड नॉट गो टू प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नेगेटिव में दिया है, यानी कि अगर आपको नेगेटिव में बनाना होगा तो आप किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। देखिए, आई वुड नॉट गो टू प्राइमरी स्कूल, मैं प्राइमरी स्कूल नहीं जाया करती थी, ठीक। इसको भी देखिए हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, आई डिड नॉट यूज टू गो टू प्राइमरी स्कूल। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ गया हमारा डिड, और डिड के साथ में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जब यूज टू से बनाया था तो हमने यूज में डी लगाया था, यूज टू। अगर हम यहाँ पे डिड का यूज कर, जब नेगेटिव में बनाएंगे तो हम डिड का यूज करेंगे, जब डिड का यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यूज, यहाँ से डी हट जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ हमारा, आई डिड नॉट यूज टू गो टू प्राइमरी स्कूल, ठीक, या आई वॉज नॉट यूज टू गोइंग टू प्राइमरी स्कूल, या आई वॉज नॉट अकस्टम्ड टू गोइंग टू प्राइमरी स्कूल। क्लियर, ये हुआ हमारा नेगेटिव का। अब अगर हम इस वाक्य को, हम चार प्रकार से बना सकते हैं, बट इन चारों का जो हमारा हिंदी में अर्थ आता है वो क्या आता है, कि मैं प्राइमरी स्कूल नहीं जाया करती थी, या मैं प्राइमरी स्कूल नहीं जाती थी। ओके, क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए ये जो था हमारा प्रेजेंट में जो हमने ये बनाया था अफर्मेटिव में, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे जो हमारे ये आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है ना, यहाँ पे देखिए हमें एग्जाम में गलती किस तरह से दे देते हैं, इसमें हमारा जो गोइंग है ना, यहाँ पे गोइंग की जगह आई वॉज यूज टू के बाद में हमारा गो ही दे देंगे, या आई वॉज अकस्टम्ड टू के बाद में भी हमें यहाँ पे क्या दे देंगे, गो। तो हमें याद रखना है कि अगर यूज टू से पहले हमारा वॉज है तो यूज टू के बाद हमारी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ऐसे अकस्टम्ड टू से पहले यदि हमारा वॉज आता है तो अकस्टम्ड टू के बाद हमारा क्या होगा, आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो यहाँ हो गया, देखिए ये हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो गया, ये हमारा नेगेटिव में हो गया। अगर हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, यानी यूज टू का यूज अगर हम इंटरोगेटिव में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए जब हम इसको इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो हम इसको बनाएंगे इस तरह से, डिड आई नॉट यूज टू गो टू प्राइमरी स्कूल, ठीक। इसका अर्थ क्या है कि क्या मैं प्राइमरी स्कूल नहीं जाया करती थी। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा वुड का यूज हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट रूटीन या रिपीटेशन इन पास्ट के लिए। क्लियर, तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट यूज बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट यूज ऑफ वुड, यानी वुड का यूज और हम कब करते हैं, देखिए सबसे पहले है वुड का यूज हम इन द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, यानी जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं तो इसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, यानी इमेजिनेशन के सेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं। और इसमें जो हिंदी में अर्थ आता है वो किसके सेंस में आता है स्टूडेंट्स, कर्ता के सेंस में था, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इफ आई वुड प्ले, ठीक है, काश मैं खेलता, ठीक है, तो क्या आ गया इसमें लास्ट में, ता, काश मैं खेलता, यानी ये मैंने इमेजिन किया है कि मैं खेलता, काश मैं खेलता। ओके, नेक्स्ट देखिए, आई विश शी वुड पास इन द एग्जामिनेशन, काश वह एग्जाम में पास हो जाती, ठीक है, क्या है इस करती, काश वह एग्जाम में पास हो जाती, तो इसका भी सेंस हमारे किसमें आया, ती में, ठीक है, काश वह एग्जाम में पास हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इमेजिन किया है, इमेजिन किया तो किसका यूज किया हमने, वुड का। क्लियर, और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है, If I had money, I would help you. ठीक है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, क्या है, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, ठीक है, यानी हमने इमेजिन क्या किया, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेजिनेशन शो हो रही है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, वुड का, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ही वुड गो टू ऑफिस टूडे बट इट इज रेनिंग हैविली, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स्टूडेंट्स की वह आज ऑफिस जाता लेकिन बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, उसने वह इमेजिन कर रहा है कि वह आज ऑफिस जाता, ठीक है ना, इमेजिनेशन शो हो रही है, इमेजिनेशन शो हो रही है, तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया, वुड का। क्लियर, ये हो गया हमारा सेकेंड यूज ऑफ वुड, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यूज ऑफ वुड, नेक्स्ट है हमारा कि वुड का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर इन पास्ट, यानी बीते कल में हम भविष्य की बात जब करते हैं तब भी हम उसके लिए वुड का यूज करते हैं। क्लियर, और इसका हिंदी में क्या अर्थ आता है, किस प्रकार के वाक्य ग्रंथ में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। क्लियर, जैसे कि एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल है हमारा, शी सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है, इसका अर्थ है कि उसने कहा कि वह मार्केट से कुछ खरीदेगी, ठीक है ना, क्या इस करके उसने कहा कि वह मार्केट से कुछ खरीदेगी, यानी उसने कहा था कब, पास्ट में, ठीक है ना, उसने पास्ट में ये फ्यूचर के लिए बताया था कि वह मार्केट से कुछ खरीदेगी, तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमें फ्यूचर इन पास्ट शो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया है, वुड का यूज किया है, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है हमारा, आई हैड ऑलरेडी एन आइडिया दैट
शी वुड नॉट हेल्प मी. ठीक है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मुझे पहले से ही आइडिया था कि वह मेरी मदद नहीं करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है, फ्यूचर इन पास्ट, यानी मुझे पहले से ही आइडिया था कि वह मेरी मदद नहीं करेगी. तो इसके लिए भी हमने किसका यूज किया है स्टूडेंट, इसमें देखिए वुड का यूज किया है. क्लियर, ये क्या हुआ हमारा, यानी बीते कल में भविष्य के बाद. अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम आपको एक चीज बताते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना है. देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमारा दैट है, ये क्या है हमारा, कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. तो देखिए एग्जाम में हमें इसमें किस तरह से गलती देगा, देखिए यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए, दैट से पहले हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट में है, सेट आ गया, किसमें बन गया हमारा, पास्ट में. तो जब दैट से पहले हमारा सेंटेंस पास्ट में बना हुआ है, तो दैट के बाद हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे. यहाँ पे खरीदेगी, गागेगी के लिए हम यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारा दैट से पहले पास्ट में है, तो दैट के बाद वाला सेंटेंस भी हम किसमें बनाएंगे, पास्ट में ही बनाएंगे. ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम, वुड का. यहाँ पे वुड क्या है, ये हमारा विल की फास्ट फॉर्म है, वुड. ठीक है, ऐसे ही हमारे इस वाले सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे भी देखिए दैट से पहले क्या आ गया स्टूडेंट, हमारा हेड आ गया, यानी पास्ट में बना हुआ है. तो दैट के बाद भी हम जो है सेंटेंस को किसमें बनाएंगे, पास्ट में बनाएंगे. ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको एग्जाम में हमें एग्जामिनर इस तरह से गलती दे सकते हैं कि यहाँ पे हमें वुड के स्थान पे विल दे सकते हैं. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि यदि दैट से पहले पास्ट में है, तो दैट के बाद भी हमें सेंटेंस पास्ट में ही बनाना है, यानी वुड का यूज करना है. क्लियर, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट हमारा यूज, नेक्स्ट है हमारे वुड का यूज फॉर शोइंग ऑफर, प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट. यानी ऑफर, प्रपोजल या रिक्वेस्ट के लिए भी हम स्टूडेंट्स वुड का यूज करते हैं, यानी हम यदि किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं, किसी को कुछ ऑफर करते हैं, किसी को कुछ प्रपोज करते हैं, तो उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं. और इसका हमारा क्या आता है, हिंदी में जो अर्थ आता है वो गागेगी के रूप में आता है. क्लियर, आया समझ में. अब देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे कि वुड यू हेल्प मी. ठीक है, वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे. तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, हमें रिक्वेस्ट हो रही है, हमने रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट की है किसी से कि क्या तुम मेरी मदद करोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज किया, वुड. नेक्स्ट देखिए, वुड यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओगे. तो यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है, हमें रिक्वेस्ट हो रही है. ठीक है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट किसका यूज किया है, वुड का यूज. नेक्स्ट देखिए, वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी. ठीक है, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रपोजल दिया है उन्हें कि क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे, यानी मैंने प्रपोज किया है उन्हें, प्रपोजल दिया है एक. तो प्रपोजल के लिए भी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट किसका यूज किया है, वुड का यूज किया है. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे. ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको चाय ऑफर की है कि क्या आप चाय लेना पसंद करोगे. तो ऑफर के लिए भी मैंने स्टूडेंट इसमें किसका यूज किया है, वुड का यूज किया है. क्लियर, यहाँ पे हमारे तीन और टाइप हो गए हैं वुड के, कौन कौन से, एक तो इन द सेंस ऑफ इमेजिनेशन, दूसरा है फ्यूचर इन पास्ट, और तीसरा है फॉर शोइंग ऑफर, प्रपोजल या रिक्वेस्ट. क्लियर, आगे समझ में. तो आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट यूजेस बताती हूँ. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूज ऑफ वुड, यानी वुड का यूज और हम कब करते हैं. देखिए स्टूडेंट, और हम वुड का यूज करते हैं इन द सेंस ऑफ लाइकिंग, यानी लाइकिंग के सेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं, यानी अगर हमें कोई चीज पसंद होती है तो उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, या जो मैं काम में करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए हम वुड का यूज करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, देखिए इसका जो सेंस आता है वो हमारे हिंदी में क्या आता है, गा गेगी या चाहता हूँ के सेंस में हमारा इसका हिंदी में अर्थ आते हैं. ठीक है, जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, I would like to help your brother. ठीक है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि मैं तुम्हारे भाई की मदद करना चाहता हूँ, या मैं तुम्हारे भाई की मदद करना चाहूंगा. ठीक है, दोनों ही तरह से हम इस वाक्य को हिंदी में बोल सकते हैं. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने वुड का यूज किसके लिए किया है, चाहता हूँ या चाहूंगा के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, वुड का यूज. ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है I would like to earn money so that I might buy a new car. ठीक है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं एक नई कार खरीद सकूं, या मैं पैसे कमाने चाहूंगा ताकि मैं एक नई कार खरीद सकूं. क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हमने वुड का यूज किसके लिए है, जो मैं चाहता हूँ उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे. ठीक है, आगे समझ में. अब देखिए नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट यूज ऑफ वुड, नेक्स्ट हमारा कि वुड का यूज हम और किसके लिए करते हैं, फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी, यानी यदि किसी वाक्य में हमें पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी शो होती है तो उसके लिए भी हम
वुड का यूज करते हैं। और इसका हिंदी में क्या अर्थ आता है स्टूडेंट, तीस प्रकार के वाक्यों के अंत में गागेगी आदि शब्द आते हैं। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए जैसे कि इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, एज फार एज आई नो योर मदर कॉमा शी वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, देखिए इसका हिंदी में अर्थ है, इसका हिंदी में अर्थ आता है कि जहां तक मैं तुम्हारी माँ को जानती हूँ वह इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो क्या आ गया, करेंगी, गा गया ना इसके लास्ट में। तो यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमें क्या पॉसिबिलिटी एक शो हो रही है इसमें। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आई होप दैट शी वुड कम हेयर टूडे। ठीक, इसका अर्थ क्या आ रहा है, देखिए मैं आशा करती हूँ कि वह आज यहाँ आएगी। क्या आ गया, आएगी, आएगी के लिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया स्टूडेंट, वुड का, गागेगी, हमने आपको बताया था ना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है आई थिंक दैट इट वुड रेन टूडे। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आज वर्षा होगी। ठीक है ना, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, मेरा ख्याल है कि आज वर्षा होगी। ठीक है ना, तो इन वाक्यों में हमें क्या शो हो रहा था, पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी हमें इसमें शो हो रही थी, जिसके लिए कि हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। क्लियर, अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज ऑफ वुड, नेक्स्ट है हमारा कि हम वुड का यूज और कब करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ लाइकिंग, यानी जिस काम को हम चाहते हैं उसका अगर हम इंटरोगेटिव के रूप में यूज करेंगे तो उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसके हिंदी में अर्थ क्या आता है स्टूडेंट्स, चाहोगे के रूप में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है वुड यू लाइक मी टू गो। ठीक, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं। ठीक है ना, क्या है, क्या आप चाहोगे कि मैं जाऊं। ठीक है ना, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है वुड यू नॉट लाइक मी टू गो। ठीक, क्या आप नहीं चाहोगे कि मैं जाऊं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आप चाहोगे यानी आपकी लाइकिंग जो है वो इंटरोगेटिव में शो हो रही थी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया स्टूडेंट्स, वुड का यूज किया है। क्लियर, आगे समझ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे 7 यूजेस ऑफ वुड कंप्लीट होते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको वुड बी का यूज बताते हैं। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट है हमारा वुड बी का यूज। ठीक है, देखिए वुड बी का यूज हम कब करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स जब हमें फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, यानी जब हमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो होती है तब हम वुड बी का यूज करते हैं। और इसका हिंदी में जो अर्थ आता है वो होता के सेंस में आता है, यानी इस प्रकार के वाक्यों के अंत में होता शब्द दिया गया होता है। क्लियर, ऐसा समझ में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इफ आई वुड बी ए डॉक्टर। ठीक है, यानी कि काश मैं डॉक्टर होती। ठीक है, या मैं इसको इस तरह से भी बोल सकती हूँ स्टूडेंट्स, If I were a doctor, इसका भी अर्थ क्या आएगा, काश मैं डॉक्टर होती। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जहां पर हमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो होती है उन सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो हमारा इफ होता है वो ऑप्शनल होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पे इफ का यूज नहीं भी करेंगे तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि आई वुड बी अ डॉक्टर तो मैं डॉक्टर होती, ठीक है, तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है If you would be at my place, ठीक है, अगर तुम मेरे स्थान पर होते, क्या स्टूडेंट इसमें, अगर तुम मेरे स्थान पर होते, तो क्या हो रहा है स्टूडेंट इसमें, हमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है। अब जब हमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो उसके लिए हमने वुड बी का यूज किया है। क्लियर, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट है आई विश दैट ही वुड बी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, काश वह प्राइम मिनिस्टर होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज किया है, वुड का यूज, क्योंकि हमें प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है शी वुड बी ए टीचर। ठीक है ना, वह टीचर होती। ठीक, तो हम इस तरह से भी अगर हम बोलेंगे इफ शी वुड बी ए टीचर तो काश वह टीचर होती, वो भी हमारा सेंटेंस सही था, और हमने बोला कि शी वुड बी ए टीचर कि वह टीचर होती, तो ये भी हमारा सेंटेंस ठीक है। ओके, आगे समझ में। यू क्या हमारा यू जो है वुड बी का यूज, यानी कि प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो होने के लिए। अब हम आपको दूसरा बताते हैं कि वुड बी का यूज हम करते हैं फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, यदि हमें पास्ट में पॉसिबिलिटी शो होती तो उसके लिए भी हम स्टूडेंट्स वुड बी का यूज करते हैं। ओके, और इसका जो हमारे हिंदी में सेंस आता है, यानी कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में होता था, होती थी, होते थे आदि शब्द दिए गए
होते हैं, क्लियर। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, व्हेनेवर आई वुड गो टू हर हाउस कॉमा शी वुड नॉट बी एट होम, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट, इसका अर्थ आया कि जब कभी मैं उसके घर जाता था वह घर पर नहीं होती थी, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हमें पास्ट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि जब कभी मैं उसके घर जाता था वह घर पर नहीं होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमें, इसमें पास्ट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है। तो जब हमें पास्ट में पॉसिबिलिटी शो होती है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं, वुड बी का, ठीक है ना। ओके अब देखिए ऐसे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हेनेवर शी केम एट माई होम कॉमा आई वुड बी इन द प्लेग्राउंड, ठीक है। इसका अर्थ है जब भी वह मेरे घर आई मैं प्लेग्राउंड में होता था, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें हमें पास्ट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है कि जब कभी वह मेरे घर आई मैं प्लेग्राउंड में होता था, ठीक है ना। पास्ट में पॉसिबिलिटी शो हो रही है तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वुड बी का यूज किया है पास्ट में पॉसिबिलिटी शो होने के लिए, क्लियर। आगे समझ में, अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट हम वुड बी का यूज करते हैं फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन द कंटिन्यूअस, यानी जब हमें कंटिन्यूअस में पॉसिबिलिटी शो होती है तो उसके लिए भी स्टूडेंट्स हम वुड बी का यूज करते हैं। और उसका जो हिंदी में अर्थ आता है वो किस में आता है, कर रहा होता के सेंस में आता है, ठीक है। कंटिन्यूअस में हमें पॉसिबिलिटी शो होती है तब हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हम वुड बी का यूज करते हैं, क्लियर। जैसे कि अब एग्जाम्पल देखिए, शी वुड बी स्टडिंग इन दैट कॉलेज टुडे, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि वह आज उस कॉलेज में पढ़ रही होती, ठीक है ना। वह आज उस कॉलेज में पढ़ रही होती, तो क्या हो रहा है हमें इसमें कंटिन्यूअस में पॉसिबिलिटी शो हो रही है जिसके लिए हमने वुड बी का यूज किया है। ओके आगे समझ में, देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है, इफ आई वुड बी टीचिंग देम इंग्लिश, काश मैं उन्हें इंग्लिश पढ़ा रही होती, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस में हमें पॉसिबिलिटी शो हो रही है जिसके लिए हमने वुड बी का यूज किया है। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट स्टूडेंट, आई विश दैट शी वुड बी हेल्पिंग द पुअर, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, काश वह गरीबों की सहायता कर रही होती, क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, की काश वह गरीबों की सहायता कर रही होती। ओके क्या शो हो रहा है हमें इसमें, कंटिन्यूअस है पॉसिबिलिटी जिसके लिए हमने स्टूडेंट्स वुड बी का यूज किया है, क्लियर। आया आपको समझ में, यहाँ पे हमने वुड बी का यूज किस किस के लिए बताया, फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, और फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, और फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी इन द कंटिन्यूअस, क्लियर। आगे समझ में, तो अब आप इसको नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट यूज, नेक्स्ट हमारा वुड बी का यूज हम और कब करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स वुड बी का यूज हम फॉर शोइंग फ्यूचर पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी जब हमें प्रेजेंट में फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो होती है तो उसके लिए भी हम वुड बी का यूज करते हैं। और इसके हिंदी में अर्थ क्या आता है, कि इस प्रकार के वाक्य के अंत में कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे आदि शब्द दिए गए होते हैं, क्लियर है समझ में। अब देखिए जैसे कि एग्जाम्पल, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, सुमन वुड बी रीडिंग राइट नाउ, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सुमन इस वक्त पढ़ रही होगी, ठीक है ना। क्या है इसका अर्थ, कि सुमन इस वक्त पढ़ रही होगी। तो स्टूडेंट हमें इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें हमें प्रेजेंट में फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो हो रही है जिसके लिए हमने यहाँ पे वुड बी का यूज किया है, क्लियर आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट है, कोहली वुड बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, ठीक है। कोहली इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या शो हो रहा है, इसमें हमें प्रेजेंट में फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो जिसके लिए हमने देखिए यहाँ पे वुड बी का यूज किया है, कि कोहली इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके आगे समझ में, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए नेक्स्ट है, वुड शी बी गोइंग टू ऑफिस दीज डेज क्वेश्चन मार्क आई डोंट थिंक, ठीक है। देखिए इसका अर्थ किस तरह से आ रहा है, देखिए क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रही होगी, मैंने पूछा है कि क्या वह इन दिनों ऑफिस जा रही होगी, मुझे नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पे भी क्या शो हो रहा है हमें, यहाँ पे हमें प्रेजेंट में फ्यूचर पॉसिबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी हमने किसका यूज किया है, वुड बी का, और ये जो सेंटेंस है ये हमारा इंटरोगेटिव में बना हुआ है, ठीक आगे समझ में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे जो वुड बी के फोर यूजेस थे जो हमने आपको बताए थे वो हमारे कंप्लीट होते हैं, यानी हमारे वुड का यूज और वुड बी का यूज कंप्लीट होता है। अब हम आपको नेक्स्ट यूज बताएंगे वुड हैव का, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारा वुड हैव,
देखिए वुड हैव का यूज हम कब करते हैं, देखिए वुड हैव का यूज हम करते हैं एक्शन कंप्लीट इन पास्ट, यानी जब पास्ट में एक्शन कंप्लीट होता है यानी पास्ट में काम पूरा होता है तब हम उसके लिए वुड हैव का यूज करते हैं। और इसके हिंदी में जो अर्थ आता है वो हमारा चुका होता में आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, शी वुड हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होती। क्या इसका अर्थ की वह अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होती। तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमें इसमें जो है देखिए पास्ट में काम पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि पास्ट में हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया स्टूडेंट, उसके लिए हमने वुड हैव का यूज किया है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है, इफ आई हैड नॉट गोन टू हर हाउस शी वुड हैव कुक्ड फूड, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यदि मैं उसके घर नहीं जाता तो वह खाना बना चुकी होती, ठीक है ना। क्या इसका अर्थ कि यदि मैं उसके घर नहीं जाता तो वह खाना बना चुकी होती। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए हमें पास्ट में एक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है जिसके लिए हमने क्या यूज किया है, वुड हैव का यूज किया है। ओके आगे समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड द ड्राइवर द बस वुड हैव लेफ्ट, ठीक। इसमें क्या है देखिए, अगर मैं ड्राइवर से रिक्वेस्ट नहीं करता या यदि मैं ड्राइवर से रिक्वेस्ट नहीं करता तो बस निकल चुकी होती। क्या इसका अर्थ की यदि मैं ड्राइवर से रिक्वेस्ट नहीं करता तो बस निकल चुकी होती, है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें भी हमें पास्ट में एक्शन कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है जिसके लिए हमने वुड हैव का यूज किया है। ओके आगे समझ में। ये तो हमारा हुआ वुड हैव का एक यूज कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं दूसरा यूज, यानी वुड हैव का यूज हम और कब करते हैं। देखिए, और हम वुड हैव का यूज करते हैं एक्शन कंप्लीट इन पास्ट ऑफ फ्यूचर, यानी फ्यूचर के पास्ट में जब हमें कोई काम पूरा होता हुआ नजर आता है तब हम उसके लिए वुड हैव का यूज करते हैं। और इसका जो हिंदी में अर्थ आता है या हिंदी में जो इसका सेंस आता है वो चुका होगा के रूप में आता है। इसमें चुका होगा, जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कोहली वुड हैव प्लेड बाय नाउ, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कोहली अब तक खेल चुका होगा। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ, कोहली अब तक खेल चुका होगा। तो इसमें क्या शो हो रहा है स्टूडेंट, इसमें हमें फ्यूचर की फ्यूचर का पास्ट में हमें काम पूरा हुआ पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, ठीक है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है स्टूडेंट की ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की ट्रेन अब तक निकल चुकी होगी, ठीक है ना। इसमें भी हमें क्या शो हो रहा है, इसमें भी हमें फ्यूचर की फ्यूचर का पास्ट में काम कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है जिसके लिए हमने वुड हैव का यूज किया है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट है द टीचर वुड हैव टॉट अस एट 2:00, ठीक है। इसका अर्थ है स्टूडेंट टीचर हमें 2 बजे तक पढ़ा चुके होंगे। क्या है स्टूडेंट इसका अर्थ की टीचर हमें 2 बजे तक पढ़ा चुके होंगे, ठीक है ना। आगे समझ में। तो हमारे वुड हैव की केवल 2 ही यूजेज हैं जो दोनों हमने आपको बता दिए हैं। तो इसी के साथ में हमारा वुड हैव का यूज भी कंप्लीट होता है। अब आप इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा वुड वुड बी और वुड हैव का यूज कंप्लीट होता है। और इसके जो हमारे वुड के अभी बाकी के जो रूल्स हैं वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है स्टूडेंट्स तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।